खुद के मैरिज के बारे में, शादी के बारे में छुपा लिया और मानसिक रुग्ण बन गई। ये पेशेंट के बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, व्यसन मुक्ति, सेक्स रोग तथा सम्मोहन तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। एक लड़की को कल रात 11 बजे करीब करीब मेरे पास में लाया। पोस्ट ग्रेजुएट लड़की है, उम्र अंदाज 24-25 साल की, और वो बस अब पागल जैसी कर रही, सो नहीं रही, 2-3 दिन से खाना नहीं खा रही, कंफ्यूज है। और रिलेटिव्स ने उनको लाया कि देखो भाई ये कैसी पागल जैसी कर रही है, उसको देखो क्या करना, इलाज कैसा करना। अब मैंने जब उसको देखा तो मुझे ये लगा कि एक्चुअली पागल तो नहीं दिख रही है लड़की, हुआ क्या, क्या प्रॉब्लम है। फिर धीरे 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 जब उनको पूछने लगा, रात को 11 बजे क्यों लाया भाई, दिन भर मतलब 2-3 दिन से ऐसा कर रही है, पूछा उसको क्या हो गया क्या नहीं, तो मालूम पड़ा कि 3 दिन पहले उसका शादी का प्रस्ताव उसके माँ बाप ने सामने उसके रखा और एक लड़का उसको देखने के लिए आने वाला था। और जैसे अभी उनका संदेश आ गया कि हम देखने के लिए लड़के को आने वाले हैं, 3 दिन पहले की बात, तब उसने अनाउंस कर दिया कि मेरी शादी 1.5 साल पहले हो चुकी है। और उसकी शादी इंटरकास्ट, उसने लड़के के साथ शादी किया, माँ बाप दोनों भी बीमार, ये खुद सर्विस करती है और माँ बाप का संभाल करती है, मगर माँ बाप ने कभी वो उनको कभी उन्होंने सोचा भी नहीं, मालूम भी नहीं उनको, और उसने चुपचाप जाके शादी कर लिया था। खुद रहती थी माँ बाप के साथ में, बताया कभी नहीं, कभी उसके साथ में जाके रहती थी, इनको मालूम भी नहीं है, लड़के ने अपने घर में बताया नहीं, लड़की ने अपने घर में कभी बताया नहीं। अब जब शादी का प्रस्ताव आ गया तो उसने अनाउंस, अब जब ये लड़की ने अनाउंस कर दिया तो उसके रिलेटिव्स, उसके भाई जो थे कहीं बॉम्बे में, एक भाई काम करता है, एक भाई पुणे में है, वो सब आ गए और एकदम हल्ला गुल्ला मच गया कि भाई अभी ऐसा कैसा हुआ, 1.5 साल से शादी हो गई हमको पता ही नहीं है, और वो भी इंटरकास्ट मैरिज, अपने कास्ट का नहीं है, और फिर ये ऐसा कैसा होगा, ये तो संभव ही नहीं है। और जब बहुत हल्ला गुल्ला हो गया तो ये बोल रही ठीक है मैं वहां जाती, बोले नहीं तुमने जाने का नहीं, उसको वहां जाने देने नहीं रहे। 3 दिन से उसने उसके साथ में बातचीत बंद कर दिया और अभी उसको बोले कि तू उसको डाइवर्स कर, लिख के दे, उसके ऊपर काफी प्रेशर लाया। बोल दी कि मैं 1.5 साल उसके साथ में शादी करके, भले उसके साथ में रहती नहीं हूं, मगर मैं तो शादी करके मतलब उसकी बीवी तो हूं, तो मैं ऐसा कैसा उसको छोड़ सकती हूं कि एक दिन में तुम छोड़ दो, ऐसा बोल रहे। तो मैं मुझे अभी घर पे भी आना है, मेरे यहां इसलिए लाया कि अभी इसका कुछ भी आप करो, उसको हिप्नोटाइज करो, इसके मन का निकालो कि भाई उसके मन में जो लड़का बैठा हुआ है उसको भी उसका निकालो वो विचार। मैंने बोला ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 1.5 साल से शादी हो चुकी है, ऐसा कोई हिप्नोटाइज करके उसके मन की बात निकाल दो, उसके मन में जो लड़के के बारे में विचार है निकालो, ताकि वो नए शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि हिप्नोटिज्म जो है, हिप्नोसिस, वो किसी के मन के खिलाफ होता नहीं, वो विरोध करेंगे तो मन हिप्नोटाइज वो हम नहीं कर सकते, उसकी इच्छा होंगी तो हम। ये कैसे कैसे कर रही है, क्योंकि उसको 3 दिन से नींद नहीं है, खाना नहीं है, अभी उसको विचार करने के लिए, शांति मतलब शांत होने के लिए पहले उसको नींद की जरूरत। वो खुद एडमिट होने को तैयार नहीं थी, मगर उसके भाई लोग और बाकी रिलेटिव है उन्होंने बोले कि नहीं इसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है, 3 दिन से उसने खाना भी नहीं खाया, आप उसको एडमिट करो, तो नींद होने दो, बाद में उसको मैंने नींद की गोलियां दिया, काफी अच्छी सोई वो। आज सवेरे जब उठी तब वो जरा अच्छी बातचीत कर रही थी, बोले ठीक है मैं तो अभी जाऊंगी वहीं, मेरे को जाना वहीं है, मगर अभी मैं जाऊंगी नहीं, अभी इनका जब तक शांत नहीं होता घर वालों का सब, और जब तक ये परमिशन देते नहीं तब तक मैं वहां जाऊंगी नहीं, मतलब ये लेवल तक आ गई और काफी शांत हो गई। फिर वो आपस में बातचीत कर रहे थे कि अभी क्या करना क्या नहीं, कुछ लोग बोल रहे थे इसको कि तुम डाइवर्स दे दो उसको, कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं नहीं उसके साथ जाने दो, ये अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे इसमें मैंने इतना ही बोला कि देखिए आखिर वो 25 साल की लड़की है, पढ़ी लिखी है, पोस्ट ग्रेजुएट है, शादी हो चुकी है, रजिस्टर्ड मैरिज उसने कर चुकी है, अभी आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, उसके मन जैसा अभी होने दो, आपने कितना भी हल्ला गुल्ला किया तभी कुछ होने वाला है नहीं, उसको हिप्नोटाइज भी हम कर सकते नहीं है, और हिप्नोटाइज करके ऐसा निकलता गलता कुछ नहीं है, ये आपका आपके गलत फहमी है ये कि ऐसा हिप्नोटाइज करके उसके दिमाग का निकालो, ना उसको हम इंजेक्शन दे सकते हैं ना गोली दे सकते हैं, वो पूरा खिलाफ है, इलीगल है, वो बड़ी है मेजर है और वो अपना डिसीजन ले सकती है, आप उसके मन को जो चाहिए वो उसको वो करने दो, ऐसा उनको बोल के उनको सबको रवाना कर दिया और अभी देखते हैं क्या होता है। तो मगर लोगों का ये मन में रहता है कि नहीं हिप्नोटाइज करो निकालो, ये ऐसा कैसा हो गया भाई, 1.5 साल तक आपने कभी देखा नहीं कि वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, आपने कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है ये, क्योंकि लड़की जब बड़ी हो गई है तो माँ बाप का भी फर्ज बनता है कि वो कहाँ जाती है, किसके साथ में जाती है, फ़ोन पे किसके साथ में बातचीत करती है, क्योंकि आजकल तो ऐसा हो गया कि फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंटरनेट, इससे ऐसा हो गया कि दुनिया एकदम छोटी हो चुकी है, लोग एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं, घर में अपने माँ बाप को क्या हुआ ये बच्चों को मालूम नहीं है कि अपने माँ को बुखार है कि पिताजी को बुखार है, मगर अमेरिका में यदि कोई लड़का है उसका दोस्त और उसको कुछ ज़्यादा खांसी आ गई तो पहले उसको मालूम पड़ जाता है, इतने लोग अपने व्हाट्सएप में और फेसबुक में इतने बिजी है। तो माँ बाप का ये फ़र्ज बनता है कि बच्चों की तरफ ख्याल देना, बच्चों को देखना, उनकी परवरिश बराबर करना, वो क्या करते हैं, कौन से कंपनी में क्या खाते पीते हैं, तो ये देखेंगे तो ये नौबत नहीं आएगी। हमारा जो लक्ष्य है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। आप ये वीडियो लोगों को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सके और आपका भी हाथ हमारे मिशन में लग जाएगा। नीचे दिए फोन नंबर है वहां आप कॉल कर सकते हैं,
और लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन हमसे कर सकते हैं और काउंसलिंग कर लेते हैं। हमारा जो हॉस्पिटल है जिसमें हम लोगों को रिलेटिव्स के साथ रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं, रिश्तेदारों के अलावा भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते रहते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर बेल आइकॉन आते उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।